थर्मोडायनामिक के पीवाई के उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन दिस रिएक्शन इज। देखो जो न्यूट्रलाइजेशन से एंथैल्पी निकलता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा आपका तो आपका जो एनर्जी निकलेगा दैट इज 57.33 किलो जूल पर मोल या 13 पॉइंट कुछ तो कैलोरी निकलता है। ओके ओके, तो इसको ही आप किलो जूल में करोगे तो आपको ये आंसर याद आएगा। बट ये मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, अगर कोई भी अगर ऐसा आपको दे रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या तो आपका वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो इन कंडीशंस में आपका एनर्जी लिबरेटेड वुड बी लेस देन 15.733 किलो कैलोरी। ओके, लेस लिबरेट होगा, एक्स मतलब एनर्जी लिबरेटेड मान लेते हैं इस केस में। तो ऐसा कोई भी कंडीशन आपको देखने मिले तो आपका एनर्जी वुड बी लेस देन। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है ओके, बट आपको वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, HCl तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इज दिस अ स्ट्रॉन्ग बेस? नहीं। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जो कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्टली पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। ओके, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन, स्ट्रॉन्ग बेस कौन आते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ हद तक आ सकता है, और आपका MgOH हाइड्रोक्साइड कुछ हद तक आ सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH KOH है आपके। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये तो आपका बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड है, कैसे पता चला बेसिक ऑक्साइड, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आर पीरियडिक टेबल। जो पीरियडिक टेबल मैंने आपको कराया था तब मैंने बोला था, मतलब शायद बोला रहेगा ये नहीं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, फिर नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये मेटल है बेसिक ऑक्साइड बनेगा, तो बेसिक ऑक्साइड है तो बेस जितना स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, तो ये लेस बेसिक है। तो कौन सा कंडीशन ऑफ क्या, मतलब कौन सा केस हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला केस हो गया। तो उसमें कोई भी इन तीनों में से कोई भी केस आया तो एनर्जी लिबरेटेड इज लेस दैन, एनर्जी लिबरेटेड इज लेस देन 57.33, तो इट इज लेस देन 57.33। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH Br एंड दिस आर दिस डेल्टा एच रिएक्शन। ओके, द टू HBr दे दिया गया, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज, तो हमें डायरेक्टली इसको फॉर्मूला डाल के करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देख लो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड रिएक्टेंट में कितना है, एक H2 है, तो मतलब 433 प्लस आपका हो जाएगा Br का हो जाएगा 192, टोटल को माइनस करना है 2 ऑफ 364 से, तो इन दोनों का ऐड कर दो 433 192 5 हो जाएगा 12, ये 525 माइनस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 360 720 होना चाहिए, और ये 4 है तो 728 होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को दिख रहा है 728 माइनस 525 यहाँ पे 203 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 203 आ गया हमें, पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, बेसिक रूकी एरर, रूकी एरर मतलब बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने घपला कर दिया, बाकी लॉजिक सही लगाओ, बट यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1, तो माइनस 103 क्योंकि ये बड़ा टर्म है, तो माइनस 103 ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 57 किलो जूल नहीं है, जूल पर मोल है, व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर व्हिच इज फ्री टू एक्सपैंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड बी। ओके, ये काइंड ऑफ केमिस्ट्री काइंड ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, मतलब इसी चैप्टर का थर्मोडायनामिक्स, देख लेते हैं। देखो हमें क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ओके, बट हमें किसका वैल्यू दिया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब सीपी का वैल्यू दिया गया, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। ओके, तो राइज इन टेम्परेचर ही पूछा है, पहले टेम्परेचर क्या बोला है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ना, तो वही तो डेल्टा टी हो गया, और हमें एन तो मिल जाएगा, सीपी दिया है, क्यू कितना दिया है, 1 किलो जूल हीट, तो हमें डेल्टा टी निकालने के लिए बाकी सबको इस साइड लेके आ जाओ, बाकी सबको क्यू के नीचे आ जाओ, तो 1 किलो जूल हीट दे दिया, एन कितना हो जाएगा, एन इज 100 ग्राम ऑफ वाटर ना, मास अपॉन मोलर मास, तो मास इज 100, मोलर मास हो जाएगा आपका 18, सीपी कितना हो जाएगा 75, तो कुछ ये आ गया आपका इक्वेशन, सॉल्व कर लो बस, यहाँ से दो जीरो से गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ 10, तो 180 बाय 75 हो जाएगा आपका। ओके, तो 180 बाय 75 करोगे तो आ जाएगा आपका, देखो 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 से 2 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा ये हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, 5 1 ज़ा 15 ज़ा, तो हो जाएगा 2 into 18 by 15, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा 1 पॉइंट कुछ तो ज़्यादा ही आएगा,
तो 1 पॉइंट से 2 करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता आंसर में, तो ऑप्शन नंबर सी ही मैच कर रहा है। ओके, क्योंकि 15, 18 थोड़ा सा बड़ा है तो 1.2 के आसपास आएगा, तो 1.242 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4.2 उसके आसपास ही आंसर आना चाहिए, बाकी कुछ तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच रिएक्शन एंड डेल्टा एच प्रोडक्ट इज सेम, बहुत ही पुराना है तो इसको छोड़ सकते हो आप क्योंकि इस लॉजिक का भी काम नहीं है कुछ। ओके, हीट ऑफ कंबर्शन डेल्टा एच फॉर सी सॉलिड H2O गैस, H2 गैस CH4 गैस इज दिस देन डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस मच इज, हीट ऑफ कंबर्शन बोला है, हीट ऑफ कंबर्शन इन लोग का दिया है और हमें क्या फाइंड करना है इसका ये। तो पहले हमें इक्वेशंस लिख लेते हैं सारे के सारे, मतलब अगर हम लोग सी का कंबर्शन कराएंगे O2 के साथ तो हमें मिलेगा CO2, तो कंबर्शन के लिए तो पूरा कंप्लीट मोल जलना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ क्यों लेना है, तो बैलेंस्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा 94। ओके, फिर क्या बोला है, कंबर्शन ऑफ H2, H2 को अगर हम लोग कंबर्शन करेंगे तो O2 में तो क्या बनेगा H2O, एक मोल H2 पूरा कंबाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग हाफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना -68। फिर कंबर्शन ऑफ CH4, मीथेन का अगर कंबर्शन करने जाएंगे O2 में तो CO2 और वाटर बनेगा, इसमें एक कार्बन 4, यहाँ पे दो हो गए, दो दो 4, यहाँ पे दो आ गए, बैलेंस कर दिया साथ ही साथ में, तो ये हो जाएगा -213 kJ, वेट अ मिनट, -213 kJ। ओके, अभी हमें इस सारे इक्वेशंस को कुछ उल्टा फुल्टा करके मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, कार्बन सॉलिड इस साइड रहना चाहिए, तो इसको तो हम लोग हिलाएंगे नहीं, इसी साइड रखेंगे, H2 भी इस साइड ही आना है और हमें CH4 आना है, तो CH4 को हम लोग उल्टा कर देंगे और मुझे इक्वेशन में शायद इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो रिवाइज्ड वाले में लिख देता हूँ C+O2 विल गिव CO2, यहाँ पे तो -94 ही रहना है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H2+O2 गिव्स 2H2O और यहाँ पे आ जाएगा -68 कितना होता है 136 हो जाना चाहिए आई थिंक, सो हो जाएगा 16 136। यस, फिर इस रिएक्शन को हम लोग उल्टा कर देंगे डायरेक्टली, तो CO2+2H2O CH4+2O2, तो इसका हो जाएगा 213। ऐड कर दो, एक CO2 से CO2 कैंसिल, दो वाटर से दो वाटर कैंसिल, दो ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन कैंसिल, तो हमें जो चाहिए था वही मिल गया हमें, डायरेक्टली ऐड कर दो 213 -136 -94, तो 213 -36 क्या हो जाएगा 213 -136 यहाँ पर जाएगा 13, ये 0, 13 से 6 गया 7, ये 1, ये 10, 77 -94 तो अप्रोक्सीमेटली 3 -23 के आसपास आ जाएगा कुछ, वेट अ मिनट, 94 -77 इज 14, -23 तो नहीं आने वाला, 17 वही अगेन, बहुत ही गलत, हाँ -17 क्योंकि 94 बड़ा था तो -17 आ जाएगा इस केस में, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ CH4 ये इज नेगेटिव, इफ द कंबर्शन ऑफ CH4 एंड CH3 इज x एंड y देन द रिलेशन इज। ओके, देखो इसका आ गया है हमारे पास नेगेटिव, तो एंथैल्पी ऑफ क्या बोला है, इसका और इसके कंबर्शन का x और y है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है ये। ओके, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पुराना है, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हमारे इस टॉपिक जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं उल्टा फुल्टा रिएक्शंस उससे ही रिलेटेड है। ओके, तो देखते हैं हमें क्या बोला है, कंबर्शन ऑफ CH4, CH4 को हम लोग अगर कंबस्ट करेंगे तो हमारे पास CO2 और वाटर आ जाना चाहिए यहाँ पे, अभी हम लोग ने CC कर दिया, यहाँ पे टू बहुत बार बैलेंस कर चुके तो हमें अभी तक याद होना चाहिए। ओके, CH3OH+O2 वुड गिव यू, इसका भी कंबर्शन करोगे तो आपको और कुछ नहीं मिलना चाहिए, CO2 और वाटर ही मिलना चाहिए, CO2 और वाटर हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी क्या हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा, एक कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे इस साइड पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, वेट अ मिनट, हाँ 2 2 4 है, 4 में से यहाँ पे एक हो गया, 3 होने चाहिए तो 3/2 मल्टीप्लाई तो हो गया आपका। हाँ, तो इसने बोला है समझो, इसका हम लोग ले लेते हैं एक्स, इसका ले लेते हैं y, समझो क्या, इन लोगों ने दिया ही है x और y रिस्पेक्टिवली दिया ही है, अभी हमें इस इक्वेशन को लेके आना है, इस इक्वेशन को तो हमें CH3OH इस साइड पे चाहिए। ओके, तो और कोएफिशिएंट्स इसका 1 और 1 ही दिख रहा है तो हम लोग वैसे ही करेंगे, इस साइड पे लेके आ जाओ,
तो सी एच फोर प्लस टू ओ टू वुड गिव यू सी ओ टू प्लस टू एच टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ वुड गिव यू थ्री बाई टू ओ टू प्लस सी एच थ्री ओ एच। दो वाटर से दो वाटर कैंसिल, सी ओ टू से सी ओ टू कैंसिल, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस साइड जाएगा टू बाई टू माइनस थ्री बाई टू, तो फोर माइनस थ्री बाई टू, तो मतलब वन बाई टू आ गया ना। तो जो आपको चाहिए था वही इक्वेशन मिल गया क्या, तो डिजायर्ड इक्वेशन इज अचीव्ड। तो डिजायर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, लिख नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स है इसको उल्टा करें तो वाई, तो ये टोटल मिला के एक्स माइनस आपका वाई, ओके। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन टोटल क्या हो जाएगा, जिसका इसका डेल्टा एच इसका डेल्टा एच ऐड कर देंगे हम लोग, तो एक्स प्लस ऑफ माइनस वाई शुड बी नेगेटिव, क्योंकि इस पूरे डिजायर्ड इक्वेशन का हमें नेगेटिव दे दिया है, तो नेगेटिव है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव। एक्स माइनस वाई नेगेटिव इसका मतलब क्या है, कौन सा बड़ा रहेगा, देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फाइव माइनस थ्री करोगे तो टू आ गया, ये पॉजिटिव टू आने का मतलब है जो पहला वाला टर्म से आपने दूसरा वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो पहला वाला टर्म बड़ा है। अगर मैं थ्री माइनस फाइव कर दूँ अगेन द आंसर वुड बी टू बट नेगेटिव, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म इज बड़ा वाला, तो दिस इज वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ऐसा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो वाई इज ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द एंथैल्पी फॉर H2O2 इज द कंबशन ऑफ दिस आर दिस ओके रिस्पेक्टिवली। ओके तो हमें पहले इन दोनों के कंबशन लिखने पड़ेंगे, फिर उसको आगे पीछे मरोड़ के हम लोग डिजायर्ड इक्वेशन लिख आएंगे, फिर उसका डेल्टा एच तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो तब से वही करके आ रहे हैं, वही करना है हमें वापस। ओके तो थर्मोडायनेमिक्स तो ईजी ही है, खाली आपको नंबर से खेलना आना चाहिए, थोड़ा यूनिट्स पता होने चाहिए बस, और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्ट्रेस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना। देख लो हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन, अच्छा इस हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला है, कंबशन नहीं फॉर्मेशन, तो H2O2 फॉर्मेशन किस में होगा, H2 से O2 से, तो बनेगा आपका H2O2, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। इसका हमें वैल्यू कितना दिया, -188। फॉर्मेशन ऑफ H2O, अगेन H2 प्लस हाफ O2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमेशा हमेशा फॉर्मेशन के इसमें एक ही मोल फॉर्म करना चाहिए, एक ही मोल फॉर्म करने के लिए हमें हाफ O2 चाहिए, इस केस में क्या आ जाएगा 286। ओके तो हमें ये इसका एंथैल्पी निकालना है, इसमें मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहा है तो मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये भी 2 दिख रहा है तो इस रिएक्शन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे जाके, फिर उसको उल्टा भी करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन को उल्टा भी करना है, देखते हैं 2H2 प्लस 2O2 वुड गिव यू, वेट अ मिनट, इस रिएक्शन को नहीं, इस रिएक्शन को उल्टा करना है ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे आएगा, तो इसको उल्टा करके डायरेक्टली लिख देते 2H2O वुड गिव यू 2H2 प्लस 2O2, और इसका उल्टा कर देंगे तो 188 हो जाएगा, 188 प्लस 188 वुड बी 16, 17 एंड 376, तो 376 पॉजिटिव में आ गया हमारे पास। ओके इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बट ऐसे ही रहना, तो यहाँ पे O2 गिव्स यू 2H2O, और यहाँ पे हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 286 वुड बी 12, 16, 17, ये हो जाएगा 4, 5 माइनस 572, तो 2H2O से 2H2O कैंसिल, एक O2 बचेगा यहाँ पे और H2O तो दिख रहा है, तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन आ गया। यस तो हमें क्या करना है, सिर्फ 376 माइनस 572 करना है। ओके तो 572 माइनस 376 तो ये क्या आ जाएगा, 12 में से गया 6, ये बच गया 6 यहाँ पे, ये आ जाएगा 4, 16, 16 से 4, 9 आ जाएगा 196। तो 196 क्या आया नेगेटिव में, क्योंकि ये अलग टर्म बड़ा है, तो नेगेटिव 196, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SO3 आर दिस एंड दिस, द रिएक्शन इसका। ओके अगेन द सेम कंसेप्ट टू बी यूज्ड, तो क्या करना है, फॉर्मेशन सल्फर, सल्फर S8 में प्रेजेंट होता है, और इन नेचुरल फॉर्म ना, फॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल फॉर्म होता है, S8 प्लस O2 वुड गिव यू आपका क्या हो जाएगा, SO2। ओके डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा -298.2, और आपको S8 प्लस O2 SO3 बनाना है, एक ही मोल बनाना है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 3/2 आप ऐड कर लोगे यहाँ पे, तो इसका कितना दिया है 98.2 किलो जूल, इसमें भी किलो जूल दे दिया है। ओके यहाँ पे इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप S8, P4 जो कि इनके नेचुरल स्टेबल फॉर्म्स हैं
उसको पी फोर ना लेकर ऐसे आप डायरेक्टली इसे सिंपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, एक सिंपल सल्फर लेके भी समझ सकते हो कि हाँ चलेगा। तो हमें क्या करना है इस रिएक्शन को अभी, वेट क्या डिसाइड है, SO2 इस साइड आना चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। ओके और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है क्या? नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको उल्टा करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 298.2 माइनस 98.2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छे नंबर्स दिए हैं इन लोगों ने वो भी, तो प्लस 200 आ जाना चाहिए। ओके तो ऑप्शन नंबर सी वुड द करेक्ट आंसर। फिर इसका दिया है माइनस एक्स, इसका दिया है माइनस वाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। ओके देखो कोई किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन करना है तो बेसिक एलिमेंट से करना चाहिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी नॉट कार्बन हाइड्रोजन, इट इज कार्बन और ऑक्सीजन तो इसी साइड रहेंगे, तो इस इक्वेशन को तो हिलाना नहीं, इस इक्वेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे? सी प्लस ओ गिव सी ओ टू, ये तो रहने दो, इसको हम लोग कर देंगे क्योंकि फॉर्मेशन में हमेशा वन मोल बनना चाहिए, तो इसको टू से डिवाइड कर देते हैं हम लोग पहले, तो टू से डिवाइड करोगे तो सी ओ प्लस हाफ ओ टू गिव सी ओ टू, फिर उसका उल्टा करेंगे सी ओ टू, इस केस में तो माइनस एक्स ही है, इस केस में क्या आ जाएगा सी ओ टू वुड गिव यू सी ओ प्लस हाफ ओ टू, इस केस में हम लोग ने क्या क्या किया, उल्टा कर दिया तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और वाई बाई टू आ जाएगा क्योंकि टू से डिवाइड भी कर दिया। ओके तो अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इससे ये चला जाएगा, यहाँ पे जाके ये हाफ हो जाएगा, तो सी ओ सी प्लस हाफ ओ वुड गिव यू सी ओ। ओके तो अगर हम लोग लॉजिकली देखें सी और ओ टू इज नेचुरल एलिमेंट्स, एक मोल बन रहा है इसीलिए हम लोग इसको हाफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, तो अगर मैं लिखना चाहूँ वाई बाई टू माइनस एक्स, तो वाई माइनस टू एक्स बाई टू ऐसा कुछ दिख रहा है, वाई माइनस टू एक्स बाई टू, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज हाइड्रोजन हैज एन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस मच किलो जूल पर मोल एंड फॉर क्लोरीन इज दिस, फिर हाइड्रोजन एटम्स एच प्लस, हाइड्रोजन एटम एक्वेस आयंस बट एच प्लस डज नॉट फॉर्म सी एल एक्वेस बिकॉज एच हैज अ लोअर हाइड्रोजन एंथैल्पी, सी एल हैज अ लोअर हाइड्रोजन एंथैल्पी, सी एल हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी एल हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो पहली बात तो इसने क्या बोला है, आयनाइजेशन मतलब एच को हम लोग एच प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना एनर्जी देना है 1311, इस चीज़ का तो कुछ काम ही नहीं। इन्होंने क्या बोला है बेसिकली, क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, हाइड्रोजन फॉर्म्स एच प्लस एक्वेस बट क्लोरीन डज नॉट फॉर्म सी एल प्लस एक्वेस, क्यों? देखो एच प्लस का साइज कुछ छोटा है, इसके बाजू में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब मल्टी लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बनेंगे, ओके ऐसे कुछ बनेंगे मल्टी लेयर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेंस में अट्रैक्ट होगा उतना एनर्जी लिबरेट होगा तो स्टेबल रहेगा। क्लोरीन के केस में क्लोरीन खुद ही इतना बड़ा एटम है, जो बड़े एटम के लिए छोटे छोटे मतलब एक ही हार्डली आपका एक लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जमा होंगे, एक लेयर बनेगा आपका सरफेस पे, तो उस केस में आपका हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज लेस, तो क्लोरीन हैज़ अ लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी, यही आपका हो जाएगा रीज़न। ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया है इन फिजिकल केमिस्ट्री, तो इस पार्ट का तो कुछ काम ही नहीं है, काम है आपका ऑप्शन नंबर मतलब काम है ये दो स्टेटमेंट्स का, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ एंथैल्पी ऑफ C2H4 दिस एंड दिस एट वन एटमोसफियर इज दिस दिस दिस, फॉर्मेशन बोला है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू बी रिमेंबर, फॉर्मेशन बोला है। तो रिस्पेक्ट टू द एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ दिस, तो सारे इक्वेशंस लिख के हमें कंबर्शन का इक्वेशन लाना है, तो देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा ये सिर्फ, ओके दो कार्बन और कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो, तभी जाके बनेगा C2H4। ये कितना दिया हमें 52, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता ताकि हमें डेटा विथ प्रॉपर साइन दिखाई दे। ओके तो ऐसा कुछ बन के C2H4 बनेगा, CO2 का सी प्लस ओ टू वुड गिव यू CO2, उसके इसमें आपका एनर्जी कितना है -394, H2O इन लिक्विड मतलब H2 प्लस हाफ O2 वुड गिव यू H2O, इसका क्या हो जाएगा आपका -286। ओके वन एटमोसफियर में से ये सब तो किया, कंबर्शन का रिएक्शन क्या है, यहाँ पे इनको इरेज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कुछ ना हो। कंबर्शन का इक्वेशन क्या होगा, आपको क्या कंबस्ट करना है C2H4 को, अगर मैं C2H4 को कंबस्ट करना चाहूँ तो O2 में डालूंगा तो बनेगा हमें CO2 प्लस वाटर, तो इस डिजायर्ड इक्वेशन में हमें लाके आना। तो क्या करेंगे, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा पहली बात, तो इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो लिख देते हैं C2H4
गिव्स 2C प्लस 2H2 हो गया -52। और क्या करना है हमें, हमें CO2 और वाटर तो इसी साइड में चाहिए, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्या हमें, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, ओके क्योंकि दो कार्बन है और इस केस में कार्बन तो दिख ही नहीं रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके H2 है तो H2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, कि नहीं कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2H2 कैंसिल करना है ना, फाइनल इक्वेशन में H2 दिख ही नहीं रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो 1 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो क्या दिख रहा है हमें -52, ओके फिर -394 इंटू 2 -286 इंटू 2, इन सब का अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कंबर्शन का कुछ एनर्जी। देखो यहाँ पे दिया है किलो जूल्स में, किलो जूल्स में यहाँ पे भी दिया है, देखते हैं क्या आ जाएगा। 394 वुड बी 818 हो जाएगा, 7788 माइनस हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 286 12 16 17 हो जाएगा और ये 5, तो अगर इसको करेंगे 788 572 एंड 52 8 और 4 हो जाएंगे 12, ओके 8 और 4 12 हो गए, ये हो गया आपका 15 15 5 20, ये 21 और ये हो गया 12 14, 1412 दिख रहा है मुझे दो ऑप्शंस में, बट क्या होगा नेगेटिव होगा, सारे नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके तो 49 का हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका, ओके नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोलर हाइड्रोलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड X एंड Y हीट्स आर लिबरेटेड रिस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने बोला था, कि जैसे ही मैंने इस लेक्चर में आपको शायद बोला था ये क्वेश्चन में यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रहे तो आपका इक्वल एनर्जी लिबरेट होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो X वुड बी इक्वल टू Y, कुछ भी हो जाए X वुड बी इक्वल टू Y, बट ये क्यों नहीं होगा X इक्वल टू Y, अगर आपने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका मोनोप्रोटिक एसिड है और ये आपका डायप्रोटिक एसिड है, HCl आपको देगा H प्लस, H2SO4 आपको देगा H प्लस और एक H प्लस, मतलब 2H प्लस दे देगा इनडायरेक्टली, तो ये एक H प्लस से निकला X, ये 2H प्लस से निकला आपको Y, तो आपका X X क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं यहाँ ले लूँ तो X इक्वल टू Y हो जाएगा, Y बाई 2 हो जाएगा, कैसे किया मैंने, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसने एक मोनोप्रोटिक डायप्रोटिक दे दिया, ये आपको देखना पड़ेगा, ये एक H प्लस देगा, ये एक H प्लस के साथ रिएक्ट करके आपको मिल रहा है X एनर्जी, यहाँ पे दो H प्लस को रिएक्ट करके आपको मिल रहा है Y एनर्जी, इक्वेट करना है मतलब हमें रिलेशन देखना है, तो क्या होगा H, इसको H प्लस करने के लिए इसको यहाँ पे लिखा है 2 से डिवाइड होगा, H प्लस तो इक्वल है, तो X इक्वल टू Y बाई 2, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर नॉट ए, ओके आपको ये ध्यान में रखना है मोनोप्रोटिक डायप्रोटिक ट्राइप्रोटिक है, ओके अगर आपको इस केस में H3PO3 दे दिया रहेगा H3PO4 दिस इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड, ओके ट्राइप्रोटिक है, तो आपका अगर समझो X है और इसकी जगह पे आपको H3PO सल्फ्यूरिक ना देके H3PO3 दे देगा, तो X वुड बी इक्वल टू Y बाई 3, वैसे ही कोई भी पॉलीप्रोटिक रहेगा तो उस केस में ये करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके तो इसके आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया वाला अगले लेक्चर में चालू करेंगे।